Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your studies regularly. हम सभी chapters हैं completely read कर चुके हैं, means हमारा syllabus complete हो चुका है and हम उनका revision भी कर चुके हैं. So अब हम questions की help से and sample paper की help से questions को revise करेंगे. Very short type questions कर रहे थे, so आज उन्हें हम continue करेंगे. Okay, so first question is iron and steel plant located in Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ में जो आयरन एंड स्टील प्लांट है, जब हमने मैप सीरीज करी थी तब भी हमने उसमें पढ़ा था, तो दैट इज भिलाई. ओके, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट है, वो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में. ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस से पहले कुछ पोर्ट थे लेकिन ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद में ब्रिटिशर्स ने मुंबई एंड कोलकाता चेन्नई जैसे नए पोर्ट है वो डेवलप करे थे. लेकिन उसके बाद में ब्रिटिशर जब इंडिया से चले गए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कुछ पोर्ट डेवलप हुए, जिनमें सबसे पहला पोर्ट था कांदा पोर्ट. ओके, कांदा पोर्ट इज इन गुजरात. कांदा पोर्ट गुजरात में है. सो ब्रिटिशर्स के इंडिया से जाने के बाद में सबसे पहला जो पोर्ट डेवलप हुआ दैट इज कांदा पोर्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज कैनाल दैट जॉइन एशिया एंड यूरोप. हमें सारे कॉन्टिनेंट क्रॉस करके ना आना पड़े इसलिए बीच में से कुछ कैनाल्स बनाई जाती है जो ओशन रूट्स को शॉर्ट कर देती है. सो एशिया एंड यूरोप को जोड़ने वाली कौन सी कैनाल थी? दैट इज स्वेज कैनाल. ओके, स्वेज कैनाल 1869 में बनी थी एंड इजिप्ट कंट्री ने सबसे पहले स्वेज कैनाल है उनको स्टार्ट करा था उसका कंस्ट्रक्शन. सो एशिया एंड यूरोप मीन्स यूरोप यहाँ पे है, हेयर इज द एशिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. सो यूरोप को और एशिया से जोड़ने वाले यहाँ पर ये है, दैट इज द स्वेज कैनाल. सो यूरोप कंट्रीज से हमें घूम के एशियन कंट्रीज में आना पड़ता था. सो अब जो डिस्टेंस है वो काफी शॉर्ट हो गया है जब बीच में से स्वेज कैनाल बन गई है. तो 1869 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था स्वेज कैनाल का, जिसने कि यूरोपियन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज में सी रूट को काफी शॉर्ट कर दिया है. ओके, नेक्स्ट वन इज रिटेल ट्रेड सर्विस. सो हमने रिटेलर्स के बारे में पढ़ रखा है. रिटेलर्स कौन होते हैं? ये ऐसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज है जिसमें जो गुड्स है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक बेची जाती है. मींस आप शॉप पर कोई भी सामान खरीदने जाएंगे तो वो जो शॉपकीपर है ही इज रिटेलर. वो रिटेलर है क्योंकि वो हमारे तक डायरेक्ट सामान पहुंचा रहा है. ओके, सो ट्रेडिंग सर्विसेज जिसमें गुड्स है वो डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर तक डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है गुड्स, दैट आर कॉल्ड द रिटेल ट्रेडर सर्विसेज. ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एचडी. एचडी मींस ह्यूमन डेवलपमेंट. बेटा कुछ क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना या कुछ टॉपिक्स हमको बार बार एक्सप्लेन करना उसके पीछे पर्पस यही है कि वो आपको इतने अच्छे से मेमोराइज हो जाए कि उनको पढ़ करके और आप जस्ट अज्यूम कर सके कि इसका आंसर ये था. सो ह्यूमन डेवलपमेंट का क्वेश्चन हम बार बार पढ़ते हैं कि यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक दोनों डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट का यूज करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट मींस ये नहीं है कि हम फिजिकली हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, बल्कि डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट कि फिजिकली भी हमारी हेल्थ भी अच्छी है, हमारे पास में एजुकेशन भी है एंड हमारे पास में रिसोर्सेज भी है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन इज एजुकेशन को हम इंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट हम हेल्थ को इंक्लूड करते हैं एंड लास्ट वन इज रिसोर्सेज. मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ रिसोर्सेज की जगह आप पर कैपिटल इनकम भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में जितना पैसा होगा तभी आप रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं. तो अगर यहाँ पर आप इनकम लिखते हैं इनकम लेवल तो वो भी गलत नहीं होगा. तो रिसोर्सेज या पर कैपिटल इनकम आप कुछ भी लिख सकते हैं. सो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनओ की तरफ से ये कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज में. इसमें डिफरेंट कंट्रीज को मेजर किया जाता है वहाँ का हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये मेजर किया जाता है. एजुकेशन में लिटरेसी रेट या नेट अटेंडेंस रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कि कितने लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हैं इस सेम एज ग्रुप के उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं. सो एजुकेशन में इंक्लूड करा जाता है एंड रिसोर्सेज में पर कैपिटल इनकम कि टोटल इनकम कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितने लोगों ने प्रोडक्शन करा है, मतलब मींस टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसका कंपैरिजन करके वहाँ के रिसोर्सेज निकाले जाते हैं. सो यूएनडीपी जो क्राइटेरिया यूज करता है उसमें ये तीनों एस्पेक्ट यूज किए जाते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक ओनली पर कैपिटल इनकम यूज करता है. इसलिए हमारे बुक में जो कंपैरिजन है वो यूएनडीपी का है और यूएनडीपी जो रिपोर्ट देती है उसको हम क्या बोलते हैं,
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों लिख सकते हैं। रैंकिंग होती है 0 to 1, सबसे 1 रैंकिंग, हाईएस्ट रैंकिंग एंड लोएस्ट इज 0। तो नॉर्वे है, हमने कल भी पढ़ा था, नॉर्वे है उसका एचडीआई सबसे ज्यादा है। ऐसे ही हम अपनी कंट्री में डिफरेंट स्टेट का भी एचडीआई निकालते हैं। तो स्टेट में नंबर 1 पर कौन सी है, दैट इज केरल। ओके, नेक्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ माइनिंग टाउन। डिफरेंट टाउन्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने गैरिसन टाउन पढ़ा था जहां पर वेपन्स रखते हैं, अंबाला कैंट, दिल्ली कैंट। ओके, उसके बाद में माइनिंग टाउन में अगर हम जितने भी कोई भी माइनिंग टाउन है उसको हम लिख सकते हैं, दैट इज झरिया, बोकारो, रानीगंज, वेस्ट बंगाल। सो कोई भी माइनिंग टाउन है जहां पर माइनिंग होती है उसका नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं, कानपुर है, गुजरात है, इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर मुंबई है, इंडस्ट्रियल टाउन। उसके बाद में कल्चरल टाउन होते हैं, रिलीजियस टाउन होते हैं, मथुरा है, वाराणसी है, ओके, हरिद्वार है, ये क्या है, रिलीजियस टाउन। तो हमने टाउन्स का जो चैप्टर पढ़ा था डिफरेंट बेसिस पर टाउन का क्लासिफिकेशन, तो किसी टाउन के एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें ये लर्न करने हैं। ओके, सो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, माइनिंग टाउन। माइनिंग में आप झरिया, बोकारो, रानीगंज, जमशेदपुर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब सेंसस है वो हर 10 ईयर्स बाद होती है, तो 2001 में हुई थी, 2011 में, अब जो नेक्स्ट सेंसस होगी वो 2011 में होगी। तो जो पुराने बुक्स हैं उनमें डाटा 2001 के अकॉर्डिंग है एंड जो न्यू बुक्स हैं उनमें डाटा 2011 के अकॉर्डिंग है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में से है, तो क्वेश्चन में हमसे 2001 या 2011 किसी का भी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जा सकता है। सो हम इन दोनों को ही लर्न करेंगे। सो 2001 में जो डेंसिटी थी पॉपुलेशन की, दैट इज 325% पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 325% थी, जो कि 2011 में 382% बढ़ गई। सो ये क्या होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एरिया के कंपैरिजन में पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ओके, सो हम यहाँ पर देखेंगे डेंसिटी बढ़ गई है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है, दैट इज इंडिया। तो फर्स्ट कौन सी है, चाइना, चाइना के बाद में इंडिया। तो ये तो हम सभी को पता है, ये क्वेश्चन ऐसे लर्न नहीं करना था, लेकिन किसी सैंपल पेपर में था इसलिए इंक्लूड करा गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्टिनेंट पूछा है हमसे यहाँ पर, किस कॉन्टिनेंट में, ये हमारे एनसीईआरटी एमसीक्यूज में भी है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। सो जब हम चाइना और इंडिया को देखते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सो हम एज्यूम कर सकते हैं कि एशिया में शायद डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन की, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एरिया के कंपैरिजन में हम देखें पॉपुलेशन, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एरिया। ओके, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस मीन्स हमें हिंदी में उसको जनगणना भी बोलते हैं। सो जनगणना पहली कब हुई थी, That was in 1872, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ये इनकम्प्लीट रही थी। ओके, सो हमसे पूछा जब जाएगा तो हम 1881 दैट इज कम्प्लीट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कम्प्लीट 1881 में हुई थी एंड फर्स्ट 1872 में हुई थी। ओके, वैसे हमें मोस्ट स्ट्रेस इसी पे देना है कि 1881, लेकिन वहाँ पर आप ये भी मैंशन कर सकते हैं कि 1872 में हुई जरूर थी सेंसस फर्स्ट, बट ड्यू टू सम रीजन वो इनकम्प्लीट थी। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री लिखेंगे हम, एक कंट्री में, एंड टोटल एरिया को हम टोटल नंबर ऑफ पीपल से जब डिवाइड करेंगे वी गेट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट इज कैतंगा जाम्बिया बेल्ट कहाँ पर है एंड ये किस चीज के लिए फेमस है। जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन था उसमें यही था कि कतंगा जाम्बिया बेल्ट है वो व्हाई इट इज फेमस फॉर, ये हाई डेंसिटी रीजन है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और है कहाँ पर, ये अगर पूछा जाए तो ये अफ्रीका में है, मिनरल्स फाउंड होते हैं यहाँ पर, मिनरल्स मिलते हैं, माइनिंग एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट वन इज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है नेचुरल ग्रोथ, जब हम बर्थ रेट में से टोटल नंबर ऑफ बर्थ है उसमें से डेथ्स
सो जब हम बर्थ में से डेथ है उनको माइनस करेंगे वी गेट द नेचुरल ग्रोथ, हम इसे नेचुरल ग्रोथ में इंक्लूड करते हैं. ओके जबकि ऐसा ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल ग्रोथ क्या है, एक्चुअल ग्रोथ में हम बर्थ रेट में से डेथ रेट तो माइनस करेंगे लेकिन हम उसमें प्लस करेंगे उन लोगों को जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं, दैट इज कॉल्ड द इमिग्रेशन. हम उसे इमिग्रेशन बोलते हैं, दूसरी कंट्री से जो लोग आए उनको हम ऐड करेंगे. जबकि माइनस किसको करेंगे, ई माइग्रेशन को, जो लोग हमारी कंट्री से चले गए हैं बाहर, उसे हम एक्चुअल ग्रोथ कहते हैं. नेचुरल ग्रोथ में सिर्फ हम बर्थ रेट और डेथ रेट को ही देखते हैं जबकि एक्चुअल ग्रोथ में माइग्रेशन भी काउंट करते हैं. माइग्रेशन को कैसे, मैंने अभी बताया, इमिग्रेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि दूसरी कंट्री से लोग हमारी कंट्री में आए हैं. जबकि ई माइग्रेशन मतलब हमारी कंट्री से लोग दूसरी कंट्री में गए हैं, हम उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट द एक्चुअल ग्रोथ रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टेटेड दैट पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई. ये किसने कहा था कि फूड सप्लाई से ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है फास्टली लेकिन फूड सप्लाई इतनी फास्टली इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो ये कहा था रॉबर्ट माल्थस ने. रॉबर्ट माल्थस ने एक सोशल साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि जितनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है उतनी तेजी से फूड ग्रेन है वो ग्रोथ नहीं हो रहे हैं. ओके नेक्स्ट, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया सेंसस दैट इज 2011 में बोला गया 1.64%. ये ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन बढ़ने की, जो स्पीड है उसे बताया गया कि उसकी जो रेट है दैट इज 1.64%. नेक्स्ट, लोकल कॉन्फ्लिक्ट इज डैश फैक्टर. लोकल कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसा फैक्टर है, दैट इज पुश फैक्टर. ये हमें पुश करता है कि हम माइग्रेट हो जाएं दूसरी जगह पर. लोकल कॉन्फ्लिक्ट है जो दंगे होते हैं वो पुश फैक्टर बनते हैं माइग्रेशन में. ओके नेक्स्ट, नेशनल यूथ पॉलिसी. नेशनल यूथ पॉलिसी मीन्स जो एडोलेसेंस हैं 13 ईयर से अबाउ जो एज के बच्चे हैं उनके लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी 2014 में कि उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स उनको कैसे पूरा करा जाना चाहिए. सो कुछ उसमें प्लान्स दिए गए थे एडोलेसेंस के लिए. सो ये कब लॉन्च हुई थी, दैट इज 2014. नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट स्पीकर इन इंडिया. यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, इंडिया में कौन सी लैंग्वेज के हाईएस्ट स्पीकर हैं. सो हिंदी को सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं जबकि सबसे कम बोलते हैं संस्कृत को. ठीक है, सो लोवेस्ट या हाईएस्ट पूछा जाए तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है भारत में और सबसे कम संस्कृत. नेक्स्ट, टू कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. एक्चुअली यहाँ पर थ्री भी लिखा हुआ आ सकता है. सो टू कंपोनेंट क्यों लिखा है, एक तो होता है नेचुरल कंपोनेंट जो पॉपुलेशन ग्रोथ को बताएगा और दूसरा होता है इंड्यूस्ड. सो नेचुरल में हम डेथ एंड बर्थ को काउंट करते हैं नेचुरल कंपोनेंट में एंड इंड्यूस्ड में आएगा माइग्रेशन. सो आपसे तीन कंपोनेंट पूछे जाए पॉपुलेशन चेंज किस किस से होगी, डेथ रेट से, बर्थ रेट से एंड माइग्रेशन से. सो डेथ एंड बर्थ क्या है, दे आर द नेचुरल फैक्टर, नेचुरल कंपोनेंट. माइग्रेशन इज द इंड्यूस्ड कंपोनेंट. ओके सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. कल की वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिए थे करने को आपकी नोटबुक में, एंड टुडे इज ऑल्सो 20 क्वेश्चन टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक एंड रिवाइज देम. सो अभी आपके पीरियोडिक टेस्ट खत्म हुए इसलिए मैं अभी टेस्ट नहीं ले रही हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको, आप ये प्रिपेयर करिए, आफ्टर दैट आई विल टेक योर टेस्ट. ओके सो लर्न दिस क्वेश्चन एंड राइट. फ्रेंड्स,